सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 21 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विनी, योग है साध्य और करण है भव। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो दुर्गाष्टमी का आज व्रत और पर्व मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय में, धंधे में आर्थिक लाभ और नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में काम का बहुत ज़्यादा तनाव और दबाव आज आपको हो सकता है। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार धंधा मध्यम रहेगा और छोटी छोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आप बचें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनती दिखती है। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आप बचें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा अच्छा चलेगा और कार्यों में आपको सफलता मिले ऐसे योग दिखते हैं। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े वादे बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। व्यापार में निवेश की योजना आप बनाएंगे, कारोबार अच्छा चले ऐसी स्थिति आपके लिए दिखती है। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और निर्णय लेने में जल्दीबाजी करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद बढ़ाने से आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलेगा और धन लाभ की स्थिति ग्रहयोगों की वजह से आपके लिए बनेगी, लेकिन इसमें आपकी मेहनत और परिश्रम की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, तो लापरवाही काम में मत करिएगा। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार विस्तार की नवीन योजनाएं बनाएंगे, कारोबार में सफलता के योग आपके लिए आज बहुत अच्छे बनते हैं। तो जो भी आप व्यापार विस्तार की योजना काफ़ी समय से बना रहे थे, आज उस पर आपको काम करना चाहिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। व्यावसायिक क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ की स्थिति आपके पास आ करके जा सकती है, तो आपको आज काम में लापरवाही से आलस्य से बचना होगा। हर एक अवसर को, हर एक अपॉर्चुनिटी को कैश करने का प्रयास आपको करना चाहिए, अन्यथा लाभ के अवसर से आप चूक सकते हैं। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों के साथ आनंद पूर्वक समय बीते ऐसा योग आपके लिए दिखता है। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के राशिफल की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं तो आपको संपत्ति से यानी प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ बड़ा फायदा मिल सकता है। कौन सी है वो रेखाएं, आइए समझ लेते हैं। आजकल के दिनों में प्रॉपर्टी में निवेश करके हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों को लाभ मिलता है और कुछ लोगों को इसमें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो हथेली देख करके आप जान सकते हैं कि आपको इसमें लाभ मिलेगा या हानि के योग हैं। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जिनकी हथेली में एक से अधिक भाग्य रेखा होती है और जीवन रेखा गोल हो तो वह व्यक्ति स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहे, उस व्यक्ति को स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहिए। इस क्षेत्र में किया गया निवेश इन्हें बहुत अच्छा लाभ जीवन भर में देता है।
जिन व्यक्ति की उंगलियां लंबी हों, हृदय से मस्तिष्क रेखा एक हो, जीवन रेखा गोल हो और भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुकी हुई हो, तो संपत्ति में सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। जमीन के कागजात और जमीन की जांच करके जमीन लेना आपके लिए उचित होता है। अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा गोल है और हृदय और मस्तिष्क रेखा एक है, इसके साथ हृदय रेखा पर कोई दूसरी रेखा अगर आ रही है, तो इसे संपत्ति में निवेश करने के लिए शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर हथेली में गुरु, मंगल, शनि और बुध पर्वत उभरे हुए हैं, तो स्थायी संपत्ति में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे ही उचित कीमत मिले, उसे बिना देर किए आपको बेच देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है, आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता, तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।